चंद्रयान 3 की हुई चांद पर सफलतम लैंडिंग, प्रार्थनाएं हुई स्वीकार। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिलेश शर्मा, SNN 7 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धरती की सतह से 384,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफलतम लैंडिंग हो गई। लैंडिंग के लिए पूरे देश भर में मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा। इसी क्रम में सेंधवा के आस्था के केंद्र भगवान राजराजेश्वर मंदिर में पंडितों द्वारा भगवान राजराजेश्वर का सहस्त्र धारा से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया एवं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए भगवान राजराजेश्वर से प्रार्थना की गई थी। इस दौरान पंडितों द्वारा हिंदुस्तान जिंदाबाद एवं भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। हाथ में तिरंगा लहराते हुए पंडितों ने बताया कि भारत द्वारा इसरो के माध्यम से मिशन चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हो सके, इसके लिए भगवान से निरंतर प्रार्थनाएं की जा रही है। भगवान वैज्ञानिकों के इस अभूतपूर्व प्रयास में उन्हें अवश्य सफलता प्रदान करेंगे। शाम 6 बजे जैसे ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई, सभी ओर खुशी का वातावरण छा गया। फटाके फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंधवा। किया गया आज राजराजेश्वर भगवान के दरबार में सहस्त्र धारा द्वारा सभी स्थानीय पंडितों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए विशेष आयोजन रुद्राभिषेक द्वारा प्रार्थना की गई है। इसमें क्या है, जो घड़ा था इसमें क्या महत्व? इसमें हजार छिद्र है, हजार मतलब विशेष आयोजनों में ही इसका उपयोग किया जाता है। आज भगवान राजराजेश्वर से सभी ने, स्थानीय पंडितों ने प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की? प्रार्थना ये की चंद्रयान 3 की सफलता लैंडिंग हो।